जो आयरन फैक्ट्री का विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतरे कोपोहेड के ग्रामीणों ने गांव में फैक्ट्री नहीं खुलने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री खुलने से गांव का वातावरण खराब होगा और फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा। राजनांदगांव जिले के टेटसरा क्षेत्र के समीप ग्राम कोपोडीह पंच आयरन फैक्ट्री खोले जाना प्रस्तावित किया, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, जिसमें गांव में फैक्ट्री खोलने के लिए ग्राम पंचायत कोपोडीह द्वारा एनओसी भी दे दी गई है, जिसकी ग्रामीणों को जानकारी भी नहीं लगी है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने एनओसी देने का भी विरोध किया और मांग की है कि गाँव में इस फैक्ट्री को ना खोला जाए। आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, सबको पता है कि फैक्ट्रियों से क्या होता है, क्या प्रदूषण होता है। और हमारे ग्राम पंचायत में ये भी हुआ है कि बिना जानकारी की, सबसे बड़ी बात है हमारा देश युवाओं का देश है और हमें हमेशा युवाओं को आगे करना चाहिए। और जितने भी एनओसी देनी है उसमें सभी लोग बुजुर्ग थे, है ना। पहली बात, ग्राम पंचायत में युवाओं को पूछा नहीं गया, रोजगार करने हमारे युवा जाएंगे और परेशानी हम लोग को होगा, उन लोग कितने साल जाएंगे। आज कोरोना के डेट में देखिए आप लोग, सब जितने भी बुजुर्ग थे सब एक्सपायर हो गए, है ना। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पर तकलीफ हुई और आज आने वाले समय में इधर धुआं प्रदूषण होता है तो नुकसान हमारे गांव के साथ हम युवाओं को झेलना पड़ेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। तो हम सीधे यही चाह रहे हैं कि स्पंज आयरन, सीधी बात है कि रेड जोन में आता है वो फैक्ट्री, तो हम चाहते हैं उस कंपनी का पूरा विरोध करेंगे और वो फैक्ट्री लगने नहीं देंगे। हमारे गाँव में कल्याणी इस्पात लिमिटेड के द्वारा स्पंज आयरन का फैक्ट्री और उसी तरह बहुत सारे प्रदूषित फैक्ट्री का लगाने का वहाँ पे एनओसी जारी किया गया था, जो ग्राम कोपेडी में ग्रामवासियों को कोई पता नहीं था। इस कारण हम उसका विरोध किए हैं।